हेलो गाइस, दिस इज धीरेन फ्रॉम डीके वेब टेक। फ्रेंड्स, आज मैं कोरलड्रा को बेसिक से आपको डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा जो कि अभी अभी आए हैं नए नए, और वो कोरलड्रा या डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और अभी अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया हुआ है कोरलड्रा को सीखना, और उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि कोरलड्रा का यूज़ कहाँ पर करते हैं। प्रोडक्ट मॉडलिंग में भी करते हैं, पैकेजिंग में भी करते हैं, पोस्टर, बैनर, हैंगलर, विजिटिंग कार्ड्स, है ना, टी शर्ट डिज़ाइनिंग, इनको बस ये जानकारी है, बट उनको डीपली जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के इस फुल एपिसोड में मैं आपको एक वीडियो इस पूरे वीडियो में मैं आपको फ्रेंड्स पूरे कोरलड्रा के बारे में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी जानकारी दूंगा, और आशा है कि आप एक ही वीडियो से आप कोरलड्रा को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये मैं कहूँगा आपसे, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आप पूरा का पूरा कोरलड्रा आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन सिर्फ और सिर्फ वन वीडियो से। बस हाँ, इतना तो कहूँगा कि हाँ, मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके टूल्स हैं और मेनूज वगैरह सबको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरलड्रा आपको इंस्टॉल करना आता ही है, नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मेरे पास जैसे कोरलड्रा X7 है, आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या डबल क्लिक करके कर सकते हैं या प्रोग्राम पे जाके कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से ओपन करते हैं, और हमने कुछ इसके हवाले से कुछ हमने नोट्स भी बना रखे हैं। ये हमारा खुल चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, कुछ ऑलरेडी इसके वर्क पड़े होते हैं, और जो रिसेंट्स फाइल होती हैं वो यहाँ पे रिसेंट्स फाइल दिखा देता है जो हमने काम किया होता है फ्रेंड्स। ओके, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं, जैसे ही ये हमारा आ गया। अब हमें पेज की सेटिंग आपसे पूछता है, चूँकि मैंने पेज की सेटिंग हाइड कर दी, इसलिए उसका पॉपअप नहीं खुल के आया है। और आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे आइए, और कोने पे, पेज के जस्ट कोने पे कहीं पे भी साइड पे आप डबल क्लिक करिए माउस का, और यहाँ पे उसकी पेज की प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपको कैसा क्या चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जनरल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारा कलर कैसा होना चाहिए, पेज की सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। और हमें जनरल सेटिंग में आएंगे, हमें कलर कौन सा चाहिए, डिफ़ॉल्ट कलर मोड जो होता है CMYK के होता है, ये हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और RGB जो होता है, जो कि RGB हमारा वो भी प्रिंटिंग के लिए होता है, बट RGB CMYK पोस्टर बैनर के लिए आप CMYK यूज़ कर सकते हैं हमेशा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड आपका कैसा क्या होना चाहिए, यहाँ पे कलर भी आप दे सकते हैं उसमें ग्रेड। ओके ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारी सेटिंग जैसे हो चुकी है ऑलरेडी। अब हमने इसके नोट्स रेडी किए हुए हैं, मैं आज क्या क्या बताना है आपको उसका प्रीव्यू रेडी करते हैं। यस, हमें रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सर्किल, एलिप्स, कुछ हमने आपको देखिए कोरल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें अभी बेसिक से स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी और कुछ शॉर्टकट भी दे दी हैं, एल से लेफ्ट होता है, अलाइनमेंट राइट होता है, टॉप बॉटम, ओके वगैरह वगैरह हमने दे दिया हुआ है। अब हम इसी के माध्यम से बिल्कुल ये इसी पे काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, सर्कल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और मेरा स्क्रोलर ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे कैसे क्या ओपन करना है, तो हम फर्स्ट पर रेक्टेंगल, सर्किल, इलिप्स की बात की, तो ये देखिए हमारा सर्किल का ऑप्शन, रेक्टेंगल का ऑप्शन है। रेक्टेंगल पे आइए और रेक्टेंगल को आप ड्रैग कर दीजिए, ऐसे ड्रैग करेंगे जैसे आपको ड्रैग करते आना है और छोड़ देना है माउस, और ठीक है। अब ये कर लिया, अब आपको इक्वल चाहिए, चारों कोने बराबर चाहिए चारों साइड, तो आप क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में आप इसको ड्रैग करेंगे। शिफ्ट के साथ ड्रैग करने से क्या होता है, पूरा शिफ्ट और ओके, तो इसे बिल्कुल इक्वल आता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप इसको प्रेस करेंगे। यस, सेम वही कंडीशन इसमें भी आपकी लागू होती है, इलिप्स की, इलिप्स लिया और इलिप्स को कंट्रोल के साथ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल इक्वल जाएगा, ये देखिए। और फिर से हम इसको करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में, ये देखिए बिल्कुल हमारा इक्वल जा रहा है। और इसमें अगर आपको कलर फिल करना है तो ये देखिए हमारा कलर पैलेट होता है, इस पर आप क्लिक करिए, कलर फिल हो गया फ्रेंड्स। ये अगर आपका गायब हो जाता है तो यहाँ पे आइए, विंडोज़ में जाइए और यहाँ पे कलर पैलेट्स में आइए, टूल बार्स में आइए, जो भी आपका हाइड हो जाता है बाय चांस तो आप उसको शो कैसे कराएंगे, यहाँ पे आइए और टूल बार्स में आइए। टूल बार्स में आने के बाद स्टेटस बार, जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपका टाइटल बार हो गया, ये मेनू बार हो गया, ये ओके फ्रेंड्स, और ये आपका प्रॉपर्टी बार हो गया, और ये स्टेटस। तो फ्रेंड्स, हम ये कह रहे हैं कि ये तो आपको बेसिकली तो पता ही है, आप चूँकि कोरलड्रा सीख रहे हैं, आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा, इस पर हम टाइम वेस्ट ना करें। और जैसा कि हमारा हाइड हो गया तो विंडोज़ पे आएंगे और यहाँ पे
टूल बार पे आने के बाद हमारा जो भी हाइट हो जाता है उसको यहाँ से हम वो करवा लेते हैं, शो करवा लेते हैं। ओके, विंडोज़ पे जाकर कोई भी चीज़ हो, स्टेटस बार हो आपका, फॉर्मेट प्रॉपर्टी बार सॉरी मेनू बार हो, कुछ भी हो आपका हाइट हो गया हो तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। जैसे हमारा कलर फिल कर देंगे, जैसे हमने इस पर कलर फिल किया हुआ है उसी प्रकार से एलिप्स पे आ गए। कुछ भी डालना है आपको, कोई कलर डालना है आप ऐसे कलर डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं। कलर की प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी, ये हम चाहते हैं कई रोज़ में हमारा जो कि प्रॉपर्टी शो कर रही है हमारी यहाँ पर रोज़ में आई है। आप एक रो में देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपका कलर एक रो में दिखेगा। रो पे आइए, फिर आपको दो रो में देखना चाहते हैं दो में दिखेगा। आप चाहते हैं कि ये आपका जो कलर वाली रो दिख रही हो तीन में दिखे तो तीन में आपको दिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें इस प्रकार से करना होता है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसा कि ये हमने बना लिया एलिप्स और सर्किल, और एलिप्स पे आइए, ये थ्री पॉइंट कर्व जो होता है इसको भी देख लीजिए। ऐसे हम ड्रैग करते आएंगे और ये फटाक से ऐसे हमारा ये होता है, ऐसे करेंगे कंट्रोल साथ में सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ हमेशा सीधी जाती है लाइन, इसी वजह से कंट्रोल का यूज़ करते हैं। फिर ऐसे कर देंगे, ये माउस से ही आप करेंगे। ओके, इनको हम डिलीट कर देते हैं फ्रेंड्स, अभी यूज़ होगा तो फिर हम देखेंगे। फिर हमारा ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। सेकेंड हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें अभी हमारा रेक्टेंगल पॉलीगॉन हुआ है और पॉलीगॉन भी बाकी रह गया। पॉलीगॉन के लिए भी आप यहीं पे आइए, ये आपको पॉलीगॉन मिल जाएगा। देखिए पॉलीगॉन टूल है जो, ये देखिए आप इसकी स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आइए, स्टेप्स जितनी कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपको करनी है। और ये इसमें कोई भी कलर डाल दीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ अगर इसमें हमें किसी भी चीज़ में आउटलाइन डालनी होती तो राइट क्लिक करते हैं कलर पे, और ये देखिए आउटलाइन हमारी आ जाती है फ्रेंड्स। देखिए आउटलाइन भी इसमें दिया होगा, आउटलाइन भी दिए, चलिए आउटलाइन का डिस्कशन यही कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिस आउटलाइन का डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो ये देखिए हमें आउटलाइन इसकी बढ़ानी घटानी है। तो ये देखिए आउटलाइन की प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर से कर रहा है, ज़्यादा बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए ये। ठीक है, एक तो ये होगी प्रॉपर्टी, और एक तो ये है कि आप यहाँ से अगर नहीं करना चाहते हैं मोटी पतली इसकी आउटलाइन तो यहाँ पे आइए डबल क्लिक करिए, ये इसकी प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है। यहाँ से आप इसका कलर दे सकते हैं, आप इसका यहाँ पे आके अपने मन मुताबिक कलर दे सकते हैं, लाइन स्टाइल कैसी होनी चाहिए वो स्टाइल दे सकते हैं, और यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं उसकी। और ये ओके, अब हमेशा याद कर रखिएगा आप जब भी आउटलाइन किसी चीज़ में दे रहे हैं तो बिहाइंड फिल और स्केल भी ज़रूर कर लेते हैं, ताकि आप इमेज को रिसाइज कर रहे हैं या जो इस शेप को आपने बनाया है उसको रिसाइज कर रहे हैं तो उस पर उसकी आउटलाइन पे कोई फ़र्क ना पड़े। इस वजह से हम बिहाइंड फिल स्केल विद ऑब्जेक्ट डेफिनेटली कर ही लेते हैं, इसको आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ओके, ये देखिए हमारी आ रही, अब इसे देखिए हम छोटा बड़ा करेंगे तो हमारी आउटलाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए कुछ भी करें हम इसके आउटलाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए ठीक है ना। और अगर हम उसको स्केल विद ना करते तो हमारी आउटलाइन वैसी की वैसी ही रहती। ओके, ये आपका हो गया। और इसमें और थोड़ा सा स्टाइल डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और इसकी थोड़ी सी हम बोल्ड कर देंगे, हमने 4 पिक्सल कर दिया। देखिए अभी आपको ये भी दिखाई दे रहे हैं स्केल, ये हटा के ये देखिए अब हम भी देखना कर लेंगे। ये देखिए उतना ही मोटा रखा हुआ है आउटलाइन इसका, उसकी विड्थ उतनी है, कोई कम ज़्यादा नहीं हो रही है, कितना भद्दा सा लग रहा है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्केल विद ऑब्जेक्ट और बिहाइंड फिल कर देते हैं कि जो स्केल हमारा जो आउटलाइन है उसका स्केल बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार रहे। ओके ओके, ये देखिए अब वैसे आ गया हमारा। और इसमें थोड़ा सा और स्टाइल डालना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ हमारे नोट्स क्रिएट हो रहे हैं छोटे छोटे से, और इसको पकड़ के ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये देखिए आपका ऑफर के लिए टाइटली बन सकता है। ओके, आप किसी भी नोट्स को पकड़ लीजिए और डायरेक्टली आप ऑफ़र का, जैसे कोई डिज़ाइन ब्रॉस कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो तो वहाँ पे ऑफ़र के लिए दे सकते हैं, यहाँ पे ऑफ़र लिख दिया। अच्छा से अच्छा ऐसे करके बना सकते हैं, इसके आउटलाइन हटाना चाहे आउटलाइन राइट क्लिक करिए हम यहाँ पे नन पे, और ये हमारी आउटलाइन हट गई। तो फ्रेंड्स ये भी पॉलीगॉन भी आ गया आपको, अब हमारा क्या बचा, आउटलाइन भी आपको आ गई है, अब हमारा बचा यहाँ पे शेप टूल। ओके, शेप टूल इसका यूज़ कैसे करना है हमें, शेप टूल का F10 इसका शॉर्टकट होता है। मान लीजिए कि हमने लिख लिया हेलो गाइस हेयर यू लर्न कोरल फ्रॉम बेसिक, ओके बेसिक स्टेप। ओके, ऐसे हमने कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर दिया और हम इसको थोड़ा सा बेसिक को नीचे कर दिया। ओके, अब कुछ चीज़ें और मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे हमने आपको कहा हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें आपको बतानी है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग
भी इसी में आ जाएगी आपकी, सेव टूल हो गया आपका। ओके, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका देखो इसमें कोई भी कलर डाल दीजिए, ऐसे ऐसे करके कुछ भी क्लिक करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, आपका कलर फिल हो जाएगा। ओके, अब सेव टूल पे आएंगे और सेव टूल पे आने के बाद में ये देखिए अभी कुछ नहीं करें, सेव टूल पे ऐसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा समझ आता है। अब हमें लाइन के बीच में स्पेसिंग देनी है या करेक्टर के बीच में स्पेसिंग देनी है, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देनी है, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट में आते हैं, फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, फिर पैराग्राफ, ये देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, पैराग्राफ सेटिंग में आते हैं, फिर आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, यहाँ पे आइए, फिर वर्ड के बीच में आपको कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग देनी है तो आपको यहाँ पे आइए ऐसे करिए 50%। हाँ, ये देखिए कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग आ रही है 80%, 82%, ये देखिए कितना प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में, बट हमें कैरेक्टर के बीच में अभी नहीं देनी यहाँ पे, और हमें वर्ड के बीच में देनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं 150, ये देखिए वर्ड के बीच में स्पेसिंग आ रही है हमारी। ओके, और अगर हमें यहाँ पे 100% ही कर देते हैं, और यहाँ पे हमें हाइट लाइन के लाइंस के बीच में अगर हमें देनी है हाइट स्पेसिंग तो उसके लिए हम यहाँ 150 आके कर देंगे, ये देखिए लाइंस के बीच में आ रही, तो हम यहाँ पे आके हमें घंटों करना पड़ेगा, इसलिए हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। देखिए टेक्स्ट पे आए और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे आके हमने पूरे इसका पैराग्राफ सेटिंग लाइन देना जो कुछ भी करना था वो कर दिया, बट हम इसको शॉर्टकट थोड़ा चलना चाहिए हमें, इतना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए सेव टूल पे आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेव टूल पे क्लिक किया और ये हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए अपने आप ही कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग कम हो रही है, कम हो रही ना, अब इसको पकड़ेंगे, ये देखिए लाइन स्पेसिंग अपने आप बढ़ रही है। ओके, अगर हम कंट्रोल सॉरी शिफ्ट के साथ करते हैं तो एक ओके, तो फ्रेंड्स ये कैसा लगा आपको, आशा है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट यूज़ करिए, आपको लाइन बढ़ानी है तो ऐसे कर दीजिए। ओके, चलिए इसको साइड में करते हैं। अब हमारा क्या बचा, क्रॉप टूल। अब मान लीजिए कोई चीज़ है आप उसको क्रॉप करना है तो उसको अलग करना, क्रॉप कोई हाँ हाफ क्रॉप आराम से कर सकते हैं। जूम बचा हुआ है आपका, और हम यहाँ पे अपने लाइंस पे आते हैं, सेव टूल, जूम टूल, जूम। फ्रेंड्स जैसे कि आपने बनाया हुआ था ये देखिए, फिर से हमने उसको इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ का यूज़ होगा बनाऊंगा तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रेक्टेंगल बनाया, ये पॉलीगॉन बनाया हमने, ओके ये रेक्टेंगल, ये पॉलीगॉन हो गया हमारा। यहाँ पे स्टेप्स आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कई सारे स्टेप्स दे सकते हैं जितना आप चाहें। ओके, यहाँ पे भी हम कोई कलर डाल देते हैं, और इसके बाद में मेरा कहाँ गया, ओके जूम टूल साइज, ये हमने कर दिया, और इस पे हम कोई काम कर रहे थे मान लीजिए, और यहाँ पे हमने ये रेक्टेंगल भी ड्रा कर लिया, और इसमें हमने कलर डाल दिया, और इसको इसके ऊपर डुप्लीकेट, अब देखिए डुप्लीकेट, अब हमें इसको यहाँ पे लाना है, ये यहाँ पे था हमारा, इसको लाने के लिए देखिए कंट्रोल डी करिए तो ये डुप्लीकेट बन जाएगी। फ्रेंड्स हमें क्या करना है यहाँ पे, मान लीजिए डुप्लीकेट बनाना हो टेक्स्ट, इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगी, और डुप्लीकेट के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, इसको सिलेक्ट करिए और इसको ड्रैग करके लाइए यहाँ पे, और माउस के राइट बटन को दबा दीजिए, ये डुप्लीकेट क्रिएट हो गया वो वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इसको रिसाइज कैसे करेंगे हम टेक्स्ट को, इसको नोट्स को जो नोट्स इसमें बने हुए दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट, ये सिलेक्शन को दर्शाता है, आप इसके कोने को पकड़िए और ऐसे ड्रैग करते हुए ले जाइए। ओके, देखिए एक तो ये सिंपल सा फंडा, वो माउस का बटन दबाइए और इसको ऐसे ड्रैग करते हुए ले जाइए, और या फिर आप क्या करिए शिफ्ट के साथ में दबाइए और शिफ्ट के साथ में ऐसे करिए, आपका शिफ्ट के साथ हमेशा यूज़ करिए चूँकि टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए टेक्स्ट में ऑच पॉच हो रहा है, बेकार हो रहा है हमारा टेक्स्ट, नीचे से करेंगे तभी देखिए, ये देखिए। तो हमेशा क्या करते हैं, साइड में कोने पे कॉर्नर पे पकड़ के माउस के बटन से इसको हम ड्रैग करते हैं, ऐसे ले आते हैं या फिर ऊपर की ओर ले आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा आपको रिसाइज करना है, कोई भी इमेज रिसाइज करनी है, कुछ भी रिसाइज करना है, ये देखिए हमारा ये भी टूल था एक रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट, तो ये रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। आप मान लीजिए इसको छोटा बड़ा करना है तो ऐसे करके लाइए शिफ्ट के साथ में, और शिफ्ट के साथ में फिर ऐसे करके लाइए, तो ऐसे आप रिसाइज कर सकते हैं। बाकी आपको कहीं नीड है ऐसे करने तो ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने कह दिया आप शिफ्ट के साथ ही हमेशा करें, अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, तो अब हम जूम की बात कर रहे थे, जूम टूल हमें क्लियर करना है, जूम टूल, तो हमने जैसे शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है जूम के लिए, जूम इन F2 करेंगे कीबोर्ड से F2, तो हमारा क्या होता है जूम इन होता है। अब देखिए वन टाइम जूम, अब F3 करते हैं तो जूम आउट, ये देखिए
तो फ्रेंड्स अब हमारा ऐसे हो गया, मान लीजिए छोटा छोटा सा कहीं पे था, कहीं खो गया हमारा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, F4 कर दीजिए। F4 करेंगे तो हमारा फुल पेज आ जाएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स और तो और आप माउस के देखिए ऐसे माउस से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। माउस के स्क्रॉल बटन से आप ऐसे आगे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका जूम इन होता है, और पीछे की ओर अपनी तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट होता है फ्रेंड्स। तो जूम इन जूम आउट भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ओके कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो फ्रेंड्स जूम इन हो गया, रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉप शैडो। अब मान लीजिए किसी चीज़ में ड्रॉप शैडो देनी है फ्रेंड्स, अब हमें इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हमें किसी चीज़ में ड्रॉप शैडो देनी है, ओके फ्रेंड्स हेलो, सिर्फ हेलो लिखते हैं यहाँ पे हेलो, और इसमें हमें ड्रॉप शैडो देनी है। हमें इसमें क्या करना है, हेलो, अब यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो देनी है। ड्रॉप शैडो देने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका ड्रॉप शैडो का मीनू होता है, यहाँ पे आइए टूल होता है सॉरी, और यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग करिए आपको जैसी शैडो चाहिए। मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके दो ऑब्जेक्ट में ले रहा हूँ दो जगह पे इसको, और एक ये आ गया आपका। यहाँ फ्रेंड्स कोई डिज़ाइन नहीं बनने है, सिर्फ आपको टूल्स की नॉलेज दी जा रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसे क्या हो रहा है, आप टूल्स की नॉलेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, विजिटिंग कार्ड बनाए हुए हैं, पोस्टर बैनर बुक कवर सारी चीज़ें मैंने कोरल पे बनाई हुई, वीडियोज़ डाली हुई है। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन थी कि ऐसा हमें बेसिक टूल्स की नॉलेज चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो ऑफिशियली आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ओके ये देखिए हमने हेलो हेलो दो बार लिखा हुआ है। एनीवे ये ड्रॉप शैडो पे आएंगे हम, और ड्रॉप शैडो पे आने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रैग करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज सेलेक्टेड नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, काम नहीं कर पाएंगे आप ठीक से। तो ऐसे किया हमने, ऐसे छोड़ दिया, और अब इसको ऐसे ये जो आपके बीच में लाइन दिख रही है इसको पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे, इससे आपकी ब्राइटनेस वगैरह पे कलर पड़ता। ओके अब देखिए आपको ड्रॉप शैडो जो हमारी डाली है इसमें ड्रॉप शैडो का आपको कलर क्या चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, तो यहाँ पे आइए, सिंपल सा फंडा है ये, कलर यहाँ पे जो चाहिए आपको कलर ले लीजिए, आपको ये चाहिए तो ये ले लीजिए। फिलहाल हम ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक ड्रॉप शैडो में हम अक्सर ब्लैक ही लिया जाता है, तो फ्रेंड्स हम ब्लैक लेंगे। ओके ये ब्लैक हमने ले लिया, और यहाँ पे नॉर्मल चाहिए हमारी जो शैडो सबस्टैक, ये देखिए यहाँ पे अपने आप ये मर्ज मोड जो होता है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके इफेक्ट्स लाइट आजकल ये देखिए। तो यहाँ पे आप सारे चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे चेक कर चुके, आपको अभी एक ही वीडियो से बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ड्रॉप शैडो का ये चेक कर लीजिए, अब ड्रॉप शैडो कैसा क्या होना चाहिए, ये देखिए ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए कलर में जो हमने कलर डाला हुआ है ब्लैक, ये देखिए आपको 100% देना है कि नहीं ट्रांसपेरेंट। ओके तो ये देखिए दिखा रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, और ये 18 हो गई, काफ़ी कम है। ओके ये देखिए उसकी दूरी को दर्शाता है हमें इतने पे चाहिए, ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, देखिए या फिर उससे कर सकते हैं आप, ये किसी टूल का यूज़ ना करके प्रॉपर्टी, देखिए जो टूल यूज़ करते हैं उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर देता है, चूँकि प्रॉपर्टी बाहर है भाई, जो टूल हमारा सिलेक्टेड होगा उसी की सारी प्रॉपर्टी और उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज शो कर देता है, और यहाँ पे नीचे नाम भी लिख देता है कि आप किस टूल की यूज़ कर रहे हैं, हम ड्रॉप शैडो का यूज़ कर रहे हैं ग्रुप 1। ओके अब हम यहाँ पे देखिए हमें इधर उधर करना है शैडो को, तो हम यहाँ पे क्यों परेशान हो, हमारा इजी सा होता है फिर टाइम हम लोगों के पास है नहीं इतना, हमें बहुत तेज़ी से सीखना है, तो तेज़ी से सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और जैसे आपको शेप देना है उस प्रकार का आप शेप रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमको 3D लुक का देना है, तो ये देखिए ऐसे दे दिया, 3D का आ गया है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे आप ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। ओके अब फिर उसके बाद में ड्रॉप शैडो हुआ, अब ब्लेंड टूल बताना है। फिर एक मिनट यहाँ पे आपकी एक चीज़ रह गई थी, इंसर्ट एनी इमेज, किसी इमेज को ऐसे इंसर्ट करवाएं, तो किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को कैसे इंसर्ट करवाना है, ये आपको ड्रॉप शैडो हो गई। अब हम हाँ और एक चीज़, अगर आप ड्रॉप शैडो को अलग करना चाहते हैं, मान लीजिए अब ये तो आप किसी मर्ज है, इसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, कहाँ गया कंट्रोल के, ये देखिए ब्रेक अपार्ट,
ये देखिए हमने दिया हुआ है ब्रेक ब्रेक अ पार्ट। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट करेंगे, और सिर्फ ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट करना आपको लगेगा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, बट ड्रॉप शैडो पे आपका क्लिक होना चाहिए। ये आप कंट्रोल के प्रेस कर देते हैं, फिर आगे दूसरे क्लिक करते हैं और ड्रॉप शैडो को ड्रैग करते हैं। ये देखिए आपकी ड्रॉप शैडो फ्रेंड्स अलग हो चुकी है, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या बात कर रहे थे, ड्रॉप शैडो की ब्लेंड टूल, और यहाँ पे हमारे बच गया था किसी चीज़ को इंसर्ट कैसे करें। फ्रेंड्स यहाँ पे इंसर्ट करवाने के लिए ये होता है कि आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट हम करवाते हैं इंसर्ट करवाने के लिए। ओके, इंपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी हमें चीज़ मान लीजिए हमें अपनी पिक इंसर्ट करानी है। ओके, यहाँ पे आए और क्लिक कर दिया हमने। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी पिक इंसर्ट हो गई। तो अब फ्रेंड्स ऐसे पिक इंसर्ट करवाते हैं, और अभी जब इंसर्ट किया है तो एक चीज़ और सीख लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल आई, हमने शॉर्टकट भी लिखा हुआ था, कंट्रोल आई इंपोर्ट करते हैं, ये आपका दिया हुआ है, या कंट्रोल आई करेंगे, मत यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करिए, जब आपका सामने दिया तो करिए, नहीं दिया है तो कंट्रोल आई करिए हम, और हमने इंसर्ट करवा लिया। ओके, अब हमें इस चीज़ को बाहर ले आना, मतलब हेलो हेलो को ले आना है बाहर, किसी चीज़ को हमें बाहर एक्सपोर्ट करना, सेव कराना है जाके। हम डायरेक्टली कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे क्या होएगा, ये CDR फाइल में होगा। ओके, बट हम चाहते हैं कि इसको हम JPG PNG किसी चीज़ में ले आना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन हो गया, ये एक्सपोर्ट का है, और यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिश टू PDF। अगर PDF में आप सेव करना चाहते हैं ताकि कोई चेंजेस ना कर पाए, आप किसी को देना चाहते तो आप PDF में करिए, अदरवाइज आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल ई करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया हुआ है शॉर्टकट ऑलरेडी, कंट्रोल ई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी था आपका, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपका आ जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे बनाना होता है फ्रेंड्स, देखिए सिलेक्शन बनाने के लिए क्या होता है कि हमें मान लो दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो स्पेस सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में दूसरे वाले पे भी। अब मल्टीपल सिलेक्शन, इसको भी सिलेक्ट करना है तो इसको भी शिफ्ट बटन दबाया कीबोर्ड से, और यहाँ पे इसका माउस का लेफ्ट क्लिक कर दिया। ये देखिए तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। ये देखिए नीचे दिखा रहा है आपका 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑन Layer 1, Layer 1 पे बता रहा है कि भाई 3 आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, और आप रेक्टेंगल भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस पे भी करिए, तो ये देखिए 4 ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें बार बार क्लिक ना करना पड़े और इसको एक बार में ही हमारा सिलेक्शन बन जाए, तो सिंपल सी बात है, आपका ये पिक टूल सिलेक्ट होना चाहिए, और पिक टूल सिलेक्शन होने के बाद में आप ये ऐसे करके ड्रैग कर, जितना अभी आपको सिलेक्शन बनाना है ऐसे करेंगे एक बार में। ये देखिए 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑन ये Layer 1, जितने भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं सबको एक बार में सिलेक्शन ऐसे बनाना है, तो सिलेक्शन बनाना आ गया होगा फ्रेंड्स। अब मान लीजिए हमें ये हमारी डिज़ाइन को रेडी हुई और इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स। अब 4 ऑब्जेक्ट्स बताइए कौन कौन से हैं, मैं बताता हूँ। दो आपके टेक्स्ट हो गए हेलो हेलो, एंड ये ड्रॉप शैडो भी आपके एक ऑब्जेक्ट हो गई, और ये आपका रेक्टेंगल। तो हमारे यहाँ पे दो ये और ये 4 हो गए। अब हम इनको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ई करते हैं जैसा कि हमने आपको शॉर्टकट में बताया हुआ है, या फिर आप यहाँ पे आइए और ये कंट्रोल देखिए आपका शॉर्टकट भी दिखा रहा है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे आएंगे, और आपको कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, और ये कोरल इंट्रो, इंट्रो के नाम से सेव किया, और यहाँ सेलेक्टेड ओनली, हमने कहा कि भाई अब ये हमारा ऊपर भी पड़ा था कुछ और, ये देखिए हमारा ये ऊपर भी पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से वो भी एक्सपोर्ट हो जाए। वही पूछ रहा है हमसे क्या आपको चाहिए, तो हमने कहा कोरल इंट्रो, और सॉरी कोरल इंट्रो, और हमने कहा डेस्कटॉप पे जाए, हमारा डेस्कटॉप पे जाएगा तो हमारा अब एक्सपोर्ट, हमने कहा सेलेक्टेड ओनली, हमने जितना सेलेक्ट किया हुआ है उतना ही मेरा बाहर जाए, अदरवाइज एक्सपोर्ट हो, बाकी वहीं पेज पे ही रहे। तो एक्सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सपोर्ट करने में। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एक और पॉप अप बॉक्स खुल के आ जाता है यहाँ पे हेलो हेलो करके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको कलर मोड देते हैं कि भाई आप ये नोट कर लीजिएगा माइंड में कि आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे CMYK कहीं तो नहीं लगा हुआ है, हमेशा RGB ही होना चाहिए। RGB नहीं है तो आपका कलर डिफेक्टेड हो जाते हैं और कलर प्रॉब्लम हो जाती है, आप जैसे डिज़ाइन रेडी करते हैं वैसे आपकी वर्चुअल में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे RGB कलर सेलेक्ट किया और देन ओके कर दिया। आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, ये देखिए हमने डेस्कटॉप पे, अब इसको कहीं पे भी आप ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारी हेलो हेलो फाइल रेडी हो चुकी है। ओके चलिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ गया फ्रेंड्स आपको, और हम इसके बाद में किसी इमेज को इंसर्ट कराना भी आ गया। अब ब्लेंड टूल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ब्लेंड टूल का यूज़ करने के लिए हमने मान लीजिए ये एक ऐसे रेक्टेंगल ले लिया,
इसमें हमने कोई कलर दे दिया, रेड दे दिया। और इसकी आउटलाइन कैसे हटाते हैं, राइट क्लिक करके हटाते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे लाए और इसको छोटा सा ओके यहाँ पे येलो कलर डाल दिया हमने। अब ब्लेंड टूल जो हमारा है, ये कहाँ है हमारा ब्लेंड टूल, ये ब्लेंड टूल है, इसको यहाँ आएंगे, इसको ऐसे करके, और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ब्लेंड टूल हुआ ओके। अब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद में क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और इसको ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग से स्टाइल्स डाल सकते हैं इस पर ओके। ये आपका ब्लेंड टूल हो गया। इसके बाद में इसी में आपका और क्या बचता है, देखिए ये जो इसमें आपको छोटा सा ब्लैक से दिख रहा है जिसमें ये लगा होता है, उसमें और भी टूल्स होते हैं, जैसे इसमें भी और भी टूल्स हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इसे हमने थोड़ी देर तक क्लिक करके रखेंगे तो सारे टूल्स शो कर देता है। अब कंटूर में यूज़ करना है, अब मान लीजिए हमें हेलो पे यूज़ करना है कंटूर ओके। कंटूर पे आए, सॉरी हम यहाँ पे आए, ये हेलो, हेलो को सिलेक्ट किया और फिर क्या करते हैं यहाँ पे आए और कंटूर पे, तो कंटूर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, कंटूर ऑफसेट टू लॉर्ज बता रहे हैं भाई, इसकी जो ऑफसेट है बहुत ज़्यादा लॉर्ज है, तो इसके हम स्टेप्स कुछ पढ़ा देते हैं, दो कर देते हैं ओके। और इसको हम 1 mm कर देते हैं, 5 mm बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 mm नहीं ले पाएगा। अच्छा ये इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, इनसाइड कंटूर कर रहा है, हम आउटसाइड कर, चूँकि इतना तो बोल्ड फॉन्ट हमारा है नहीं जो इनसाइड ले लेगा, तो हम इसको आउटसाइड कर देंगे, ये देखिए आउटसाइड अपने आप ले लेगा है ना। और इसकी हम स्टेप्स थोड़ा सा कम कर देंगे, ये आपका कंटूर होता है लाइनियर कंटूर कैसा होना चाहिए इसको बताना, क्लॉक वाइज लो आई ऐसा नहीं है, जैसा हमको देना है। चलिए ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आउटसाइड कंट्रोल आ जाएगा, और ये टू सेंटर था ओके, आउटसाइड में करना है। तो फ्रेंड्स ये आउटसाइड कंट्रोल हो गया, अब इसकी स्टेप्स जितनी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ये देखिए 3, 4, 5, 6 हाँ जितनी भी आप स्टेप्स बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं ओके। यहाँ पे आइए, इसके आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसमें कौन सा कलर फिल होना चाहिए ये देखिए, हम इसको अपने अकॉर्डिंग से कलर दे सकते हैं। ये देखिए हाँ, और आउटलाइन ये येलो की जगह पे हम इसको दूसरा कुछ दे देते हैं, क्योंकि येलो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये तो आपका कंटूर हो गया फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ओके, ये हमारा कंटूर हो गया। अब आपको क्या करना है, आप कौन सा टूल बाकी रहेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको इसको ब्लैक फिल कर देंगे हम, रहने दीजिए ये ठीक है हाँ। अब आपका कंटूर हो गया, इसमें आप कौन सा बाकी रह गया है, डिस्टॉर्ट कंटूर इनवलप देख लीजिए, इनवलप अच्छा टूल है, इनवलप पे आएंगे और इसी को ले लिया हमने, इसकी डुप्लीकेट बना लीजिए, हमने बताया ना इसको ड्रैग करके लाएंगे, राइट क्लिक कर देंगे माउस का, उसी के साथ में आपकी डुप्लीकेट रेडी हो जाएगी। अब इनवलप के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, हेलो हाय ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हमने ये इतना कर लिया, अब इसके बाद में आएंगे, अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेलप करना है, इन्वेलप पे क्लिक किया और यहाँ पे आएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी शो कर देता है, यहाँ पे पुट्टी होना चाहिए और ये, अब इसको क्या करेंगे ऐसे, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, ये हमें इफेक्ट करने के लिए मान लीजिए किसी गोले पे लगाना है ना, सर्किल पे, तो ऐसे करके कर सकते हैं, फिर आपको कैसे स्ट्रैटली सीधा चाहिए स्ट्रेट चाहिए जो भी आपको चाहिए आप उसको अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पुट्टी के बाद में और भी कई चीज़ें हैं तो उनको चेक कर सकते हैं, ये आपका यूज़ होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना उल्टे सीधे हाथ पैर चलाएंगे कोरल में या फिर किसी चीज़ में उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। ये हो गया आपका, फिर इसके बाद में आपको बाकी रह गया है रिस्टार्ट में कुछ सीख करने के लिए होता है, और ये आपको एक्सट्रूड टूल बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एक्सट्रूड टूल को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को ऐसे किया हमने, 3D इफेक्ट देने के लिए एक्सट्रूड टूल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ओके। अब यहाँ पे इसकी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए सिंगल कलर के लिए यूज़ ऑफ फिल ऑब्जेक्ट फिल कलर होता है, यहाँ पे सॉलिड कलर के लिए होता है, और ये दो कलर देने के लिए होता है। अब यहाँ पे येलो दे दिया हमने ओके,
रेड, चलो ऐसे ही, ये देखिए ऐसे करके आप कलर दे सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पीछे का वो कलर है तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए आपका 3D इफेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स, इसको क्या करें, इस बढ़ा सकते हैं इसकी हाइट एंड विड्थ कर जो जैसे अपने अकॉर्डिंग से, और इसको कि ये कैसा चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करिए। ओके सॉरी, यहाँ से आइए, ये देखिए बिल्कुल 3D लुक लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए ओके, इस पर ट्राई करिएगा, कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा आप करेंगे। और यहाँ पे देने के लिए होता है आपको कैसा चाहिए, हाँ तो अब बेटर रहेगा यही पहला फर्स्ट वाला रहने दीजिए। ओके तो फ्रेंड्स डिलीट कर देते जो हमारा होता जा रहा है। ओके चूँकि ज़्यादा रहेगा तो फिर सिस्टम भी स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए इसको जैसे उठाएंगे चूँकि तो अब फ्रेंड्स हमारा क्या बाकी रह गया है, ड्रॉप शैडो ब्लेंड ट्रांसपेरेंसी इनवलप भी हो गया, एक्सट्रूड भी हो, कंट्रोल भी हो गया है, हमारा ट्रांसपेरेंसी बाकी रह गया फ्रेंड्स। अब ट्रांसपेरेंसी की बात है तो कुछ तो करना पड़ेगा जी, हाँ जी। अब हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देंगे तो अब देखिए ये तो हमारा नीचे शो कर रहा था, ओके तुम्हारा 3D ऑलरेडी दिख रहा है, अब ट्रांसपेरेंसी में दिखाना है कि इस पर रखा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल के साथ में इसको जस्ट नीचे की ओर ले जाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, समझ में आया फ्रेंड्स। फिर से करके दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे हमने सिलेक्शन बनाया इसका, क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर और ये ऊपर जब ऐसे बन जाए, क्योंकि मैं इसको नीचे ला इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे पर नीचे कंट्रोल के साथ ऐसे करेंगे और ये जस्ट उल्टा कर देंगे माउस से दबाते हुए और फिर राइट क्लिक कर देंगे, ये डुप्लीकेट रेडी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हमारा ट्रांसपेरेंसी वाली बात है तो ट्रांसपेरेंसी पे आए और इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे ही नीचे करते चले गए, इसको ऊपर किया हमने और ये ऐसे लाया। ये फ्रेंड्स आपका ट्रांसपेरेंसी टूल होता है, ऐसे आप किसी टेक्स्ट की ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सच में आपका ये बिल्कुल, हाँ ओके ओके नाइस। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसपेरेंसी आपका हो गया, अब नेक्स्ट आपका क्या बचता है, ब्लेंड सारे हो गए हैं, ये कंट्रोल मैश टूल, मैश टूल बचा फ्रेंड्स आपका। मान लीजिए आपको हमने कोई बॉटल बनाने के लिए दे दी, हमने कहा भाई एक हमें बॉटल बना के दिखाइए, तो अब ये देखिए अब यहाँ पे मैश टूल का थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, वो भी देख लीजिए। हम क्या करेंगे, एक हमने रेक्टेंगल ले लिया और मैश टूल का यूज़ करके नहीं फ्री हैंड टूल, चूँकि हमें फ्री हैंड टूल करना ही है, फ्री हैंड टूल लास्ट में 17 नंबर पर है, फ्री हैंड टूल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी टूल हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हम फ्री हैंड टूल का यूज़ करते हैं। जब फ्री हैंड का आ जाएगा तो आपके सारे आपको अपने आप ही सारे टूल्स का यूज़ आ जाएगा फ्रेंड्स, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो अब ये देखिए हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ में सीधी एक लाइन खींची और इसको सेलेक्ट किया और ये मैश टूल सेव टूल पर क्लिक करेंगे और हमने एक शॉर्टकट बताया हुआ था आपको, कहाँ गया हमारा कंट्रोल क्यू, ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल क्यू किया और कीबोर्ड से और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया सिंगल, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे। ओके एक हम फ्लावर स्पॉट बनाएंगे, ओके छोटा सा बना लेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब इसको जैसे हमने इसको एच को हेलो को नीचे किया था वैसे इसको इधर की ओर ले आएंगे और ये डुप्लीकेट बना लेंगे और ये अपने आप थोड़ा सा दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब दोनों को सेलेक्ट करने के लिए एक हमने टूल बताया था कंट्रोल एल, कंट्रोल एल कंबाइंड के लिए, कंबाइंड कंट्रोल एल कंबाइंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, हमने दो ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए और कंट्रोल एल कर दिया, अब हमारे कंबाइंड हो गया दोनों मिक्सअप हो गए। अब क्या करेंगे, हम फ्री हैंड टूल फिर लेंगे और ऐसे फिल कर देंगे ये, ओके फिर यहाँ पर किया हमने
ये फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा प्लान बनाने में पड़ेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत होगी सीखने में। तो अब ये हमारा फ्लावर पॉट बन चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें हम कोई भी कलर डाल देते हैं। ये हमने कलर डाल दिया, ओके मान लीजिए हमने ये डाल दिया, ये हमारा फ्लावर पॉट है। अब हमें बताना क्या है, हमें इसमें बताना है फ्रेंड्स आपको मैस टूल का यूज़। मैस टूल, ये आपका मैस टूल है फ्रेंड्स, ये मैस फिल टूल जो है, ये हमारा मैस टूल चल रहा था, ये मैस टूल 30 नंबर मैस टूल करने के लिए इस पर ये सिर्फ देखें और इसको सेलेक्ट किया मैस टूल। अब यहाँ पे हम ये डबल क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैस टूल जो होता है आपका शैडोज देने के लिए होता है किसी टेक्स्ट में। हाँ ये देखिए हमने रेडी कर लिया, डबल क्लिक करेंगे अपने आप क्रिएट करता जाएगा। अब ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे आएंगे और इसको कलर दे देंगे। ये देखिए ये हम कलर देते आते हैं इसको, ये चीज़ करने के लिए हमारा मैस टूल मैक्सिमम यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल जस्ट एक अमेजिंग चीज़ रेडी हो गई आपके सामने। ओके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा ये टूल है। हाँ आपको पेंटिंग टाइप का देना है ब्रशेज तो ऐसे करके दे सकते हैं। इन सभी पे हम आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे चल के, बनाए हुए हैं कुछ हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो फ्रेंड्स मेन का बेहतरीन यूज़ हम बताएंगे आपको। ये तो अभी हमने नॉर्मली आपको बता दिया। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए आपका कैसे शेप टूल का यूज़, मैस टूल का यूज़ करते हैं। ये आपका मैस टूल हो गया फ्रेंड्स, आप इसमें हैंड वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आप 3D पॉइंट कर्व टूल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम करके नॉर्मली ये देखिए नॉर्मल सा आप ऐसे करके ओके क्या आप इनेबल करते हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हैं ऐसे करके दे सकते हैं। बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम आपके आपको आगे प्रोजेक्ट बताएंगे तब उसमें हम इन सब का यूज़ बताएंगे। अभी हमें सिर्फ अब टूल्स क्लियर करने हैं और मैस टूल भी हो गया हमारा फ्रेंड्स। मैस टूल के बाद में आउटलाइन हो गया, पावर क्लिप, ओके पावर क्लिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके अब पावर क्लिप फ्रेंड्स, अब ये देखिए हम पावर क्लिप का यूज़ कैसे करें। मान लीजिए हमारी पिक है और इसको हम किसी एक रेक्टेंगल में यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल गोले आकार की हमारी उल्टा सीधा पिक है, इसको हम इसमें डालना चाहते हैं इस पिक को। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे आएंगे पावर क्लिप, बाकी सब में आपको इफेक्ट में मिलेगा जो लो वर्जन्स हैं। आप यहाँ पे चेक कर इफेक्ट या आपको इफेक्ट में मिलेगा, यहाँ पे पावर क्लिप रहता है बट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है चूँकि एक्सेल में थोड़ा लेटेस्ट है। प्लेस इनसाइड करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ले जाना है उसको। ओके सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करते हैं और एडिट पावर क्लिप, क्या करेंगे इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। ओके अपने अकॉर्डिंग से इसको एडजस्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ में, फिर यहाँ पर छोटे वर्जन जो होते हैं उसमें यहाँ पे दिखा देगा फिनिश एडिटिंग बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, तो हम राइट क्लिक करेंगे और फिनिश एडिटिंग दिस लेवल। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पावर क्लिप भी हो गया, पावर क्लिप हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद में क्या बाकी रह गया है, बेवल एंड इम्बॉस। यस बेवल एंड इम्बॉस भी देख लेते हैं, जब इतना सब कुछ हो गया तो बेवल एंड इम्बॉस क्यों बाकी रहे भाई। हाँ इसको थोड़ा सा और परेशान करना चाहो तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। हाँ ये देखिए बिल्कुल इंजॉय के साथ करिए, टेंशन लेके मत करना, क्योंकि टेंशन लेके करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा सीखने में फ्रेंड्स बिल्कुल। हाँ ऐसे करके इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, यानी इसको ऊपर करते हैं। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, हमें बेवल एंड इम्बॉस करना है, तो ये हेलो को फिर ले लिया, हम हेलो के पीछे पड़ गए हेलो पे ही सब कुछ करना है हमें। ओके मान लीजिए हमने ये कलर डाल लिया इसमें, हेलो लिया, इफेक्ट में जाइए और
बेवल करिए, जैसे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आइए इम्बॉस करिए और अप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है, अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए सही नहीं आ रहा है ये, तो सॉफ्ट एज करिए टू सेंटर। ओके, ये देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया। बाकी यहाँ पे पूरा पात थोड़ा सा करिए जैसा आपको इफेक्ट चाहिए। ओके, ये आपका बेवल हो गया फ्रेंड्स, 3D लुक। हाँ, इसमें जो कलर डालना चाहिए आप कलर कर सकते हैं। ओके, अब हमारा ये बेवल एंड इम्बॉस हो चुका है फ्रेंड्स, फ्री हैंड टूल भी हो चुका है, लगभग सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। पर हम देखते हैं कुछ बाकी तो नहीं रहेगा, बहुत कुछ बाकी रह गया हमें पता है, बट अगर आप हो सकते हैं, बट माइंड में नहीं आ रहा इस समय। एनीवे, एक्सपोर्ट, जूम इन, जूम आउट, बॉटम, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हाँ, ये बॉटम ये आपको ई सी का मतलब समझा दें थोड़ा सा, और इस देर से ही हाँ थोड़ा सा लेंथी होगा तो क्या होगा, कम से कम आपको चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, ये इसकी डुप्लीकेट हमने बना ली, ये डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट। अब हमने कहा ये जो है इसके सेंटर पे आ जाए भाई, तो ई करेंगे। देखिए हमने कहा ना वर्टिक, इसको ऐसे करेंगे, हमने कहा इसको बाकी डिलीट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये इधर उधर पड़ा हुआ है, हमने कहा इसके वर्टिकली आ जाए, तो ई करेंगे। ये देखिए वर्टिकली आ गया, इधर पड़ा हुआ था, ये करेंगे तो इसके इक्वली आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली अगर उसको हमें करना है तो ये करेंगे और सी कर देंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टली हमारा सेंटर हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसे करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एनीवे, कुछ चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो छूट रही हैं अभी। और क्या है कि हम इसमें फाउंटेन फिल कैसे करें फ्रेंड्स। फाउंटेन फिल करने के लिए आप देखिए, हम थोड़ा सा इसमें ग्रेडियंट, आपने फोटोशॉप से तो ग्रेडियंट उसमें बोलते हैं, इसमें फाउंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और इसकी ये प्रॉपर्टी शो कर देता है। ये देखिए इसमें हम दूसरा कोई कलर डालना चाहते हैं तो कैसे डालना है, ये देखिए ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें होती है। आप इसका चेकआउट ठीक से करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा मैं आपको इसमें बता दूँ। ये देखिए यहाँ से आप वर्टिकल पैटर्न कोई डालना चाहें तो यहाँ से पैटर्न डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे पैटर्न आ रहे हैं, जो आपको पैटर्न पसंद आ रहा है वो पैटर्न भी डाल सकते हैं आप। ओके, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप डालिए डालिए। ये देखिए हमारे यहाँ से बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे जो आपको पसंद है। सिंगल कलर डालना, वो पैटर्न का कलर देना चाहते हैं आप कुछ तो कलर भी दे सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, ये और यहाँ पे इसकी आउटलाइन हटाना चाहें तो आउटलाइन हटा दीजिए। देखिए इमेज को एडजस्ट ठीक से करना होगा, एडिट पावर क्लिप हमारी इधर उधर जा रही थी, इसको ऐसे पकड़ा और इसको ट्रैक कर दिया और राइट क्लिक फिनिश एडिट, यस। इसको थोड़ा सा तो फ्रेंड फाउंटेन फिल भी ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पावर क्लिप करना था, रफली मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे एस किया हमने, ओके, और ये ब्लैक फिल कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा बोल्ड एरियल ब्लैक ले लेते हैं। ओके, एनीवे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, और कोई एक पिक इंपोर्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैं पिक इंपोर्ट कर ली। ओके, अब हमें पावर क्लिप इसमें करना है, तो इस इमेज को सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट पे गए, पावर क्लिप किया और ये प्लेस इंसर्ट कर दिया, एडिट पावर क्लिप ऑप्शन, और ये देखिए राइट क्लिक करेंगे और फिनिश एडिटिंग। कितना प्यारा सा लुक आ गया फ्रेंड्स। ओके, ऐसे आप किसी भी लेटर में आप पावर क्लिप कर सकते हैं। ओके, इसमें ड्रॉप शैडो देनी है तो ड्रॉप शैडो ऐसे करिए, आपके ड्रॉप शैडो आ गए फ्रेंड्स। इसमें आपको कोई कलर फिल करना है तो कलर फिल ऐसे कर देंगे डायरेक्टली, और इसमें ग्रेडियंट फिल करना है तो ग्रेडियंट फिल करिए आराम से। यहाँ इससे कलर पिक करते हैं, कलर आई ड्रॉपर होता है, मान लीजिए हमें ये वाला चाहिए और ले लिया। ओके, ऐसे कलर पिक करते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में इसमें आपको ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट डालिए, कोई इशू नहीं है। ओके,
यहाँ पे आएंगे और ये देखिए इसकी कलर प्रॉपर्टी यहीं पे शो कर देता है, या फिर यहाँ से नहीं डालना चाहते हैं तो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी फाउंटेन कलर पूरी कलर प्रॉपर्टी शो कर देता है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी मन मुताबिक आप कलर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, आपको कैसा देना है, डार्क देना है, यहाँ पे लाइट देना है, जैसे भी आपको देना है। इस नोट को सेलेक्ट किया और हमें यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए, तो हमने वो अपना कर दिया। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा आपको चाहिए वो सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग से बना लेते हैं। ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल कलर डालना चाहें तो ऐसे सिंगल कलर हमने डाल दिया, ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर दीजिए। और भी कुछ बाकी रह गया फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको जिस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए कि सर मुझे इस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ओके फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। और बाकी तो हाँ, आप जैसे आपको मान लीजिए कि आपको बारकोड इंसर्ट करना है, वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट बारकोड, जो आपका नंबर हो, नंबर यहाँ पे डालिए और नेक्स्ट 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 करेंगे, ये देखिए आपको बारकोड आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे आप बारकोड इंसर्ट कर सकते हैं और इफेक्ट बारकोड हो गया। ओके, बाकी क्रिएटिव न्यू टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको फ्रेंड्स बता दी हैं। और मेरे हिसाब से कलर ब्लर वगैरह करना आपको तो ब्लर यहाँ से कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट, ओके, प्लगइन्स, कुछ चीज़ें हैं जो आप देख लीजिएगा। एनीवे, कैसा लगे फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल्स, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। और प्लीज़ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी जानकारी लगी तो मैं चाहता हूँ आपके फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी पहुँचे और उनको भी इससे हेल्प मिले। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून ओनली ऑन केवैप टेक। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जाइए, वेबसाइट पर विजिट करिए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।